नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं गुंजन मित्तल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड अस्थमा डे के मौके पर अस्थमा के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि दिन ब दिन बढ़ते प्रदूषण और बदलते लाइफस्टाइल की वजह से अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में अस्थमा के मरीज करीब 3 करोड़ हैं, तो ऐसे में लोगों को अस्थमा के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए लोगों में अस्थमा के बचाव और रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को मनाया जा रहा है। जैसा कि आज अस्थमा को दमा के नाम से भी जाना जाता है हमारे देश में। विश्व अस्थमा दिवस पहली बार अब कब मनाया गया था इसकी बात करते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1993 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा की गई थी। यह दिवस पहली बार 1998 में 35 से अधिक देशों में मनाया गया था। विश्व अस्थमा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व अस्थमा दिवस को हर साल थीम के साथ मनाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, और इस साल 2023 में इसकी थीम अस्थमा केयर फॉर ऑल रखी गई है। अस्थमा क्या है और क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। अस्थमा फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अस्थमा सांस की नली में सूजन होने के कारण होता है। अस्थमा के कई लक्षण हो सकते हैं कि जैसे कि सीने में जकड़न, सांस फूलना, बात करने में कठिनाई होना, ज़्यादा थकान महसूस होना और खांसी आना, खास करके रात के समय। हंसते और व्यायाम के दौरान भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर किसी व्यक्ति में अस्थमा के यही लक्षण नजर आएं। अस्थमा के कई प्रकार होते हैं और आपके लक्षण भी इस बात पर निर्भर करते हैं कि व्यक्ति को अस्थमा का कौन सा प्रकार है। आज के समय में अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। इसी के साथ ही कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी अस्थमा का कारण बन रहा है। कुछ लोगों में ये जेनेटिक भी हो सकता है। इसी के साथ ही सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव भी इसका एक कारण बन सकते हैं। अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सही समय पर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो अस्थमा के मरीज को अस्थमा के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और अस्थमा का दौरा आने से बचाया जा सकता है। अस्थमा रोग के उपचार के लिए एक विशेष इन्हेलर या दैनिक दवाई दी जा सकती है। अस्थमा के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बचाव। इसमें बेहद ज़रूरी है कि अपने अस्थमा के कारण को समझें और उन चीज़ों से दूरी बनाएं जिससे दिक्कतें बढ़ती हैं आपकी। धूल मिट्टी और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें। अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो अपनी दवाइयाँ साथ रखें, खासकर इन्हेलर या अन्य दवाएँ जो आपको डॉक्टर ने बताई हैं, और साथ ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएँ लें। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन इसका उपचार और दवाई के साथ आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।